नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। काफी गहमा गहमी के बीच आज पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। छात्र संघ चुनाव में 1547 वोट पाकर संपूर्णानंद यादव अध्यक्ष तो 1094 वोट पाकर सुधांशु तिवारी महामंत्री और 1354 वोट पाकर दीपक उपाध्याय उपाध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल की। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद जीते हुए सभी प्रत्याशी ग्रुप बनाकर सेल्फी भी लेते नजर आए। बता दें कि 12 अक्टूबर को पीजी कॉलेज छात्र संघ का चुनाव था, जिसमें 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मतदान होना था, लेकिन मतदान के दौरान महामंत्री पद के प्रत्याशी सुधांशु तिवारी का बैलेट पेपर पर कॉलेज की लापरवाही से नाम दर्ज नहीं था, जिसको लेकर सुधांशु के समर्थक छात्र हंगामा करने लगे थे, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के द्वारा स्केच पेन से नाम दर्ज किया गया, लेकिन महामंत्री पद के प्रत्याशी सुधांशु तिवारी समेत समर्थक पुनः वोटिंग कराने की बात करने लगे, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन अपनी गलती स्वीकार करते हुए महामंत्री पद के लिए आज यानी 15 अक्टूबर को चुनाव कराने के साथ ही सभी पदों की मतगणना भी कराने का निर्णय लिया था। आज कॉलेज प्रशासन द्वारा भारी फोर्स के साथ महामंत्री पद के दोबारा चुनाव कराया, साथ ही महामंत्री पद के साथ अन्य सभी पदों की मतगणना कराया, जिसमें अध्यक्ष पद पर संपूर्णानंद यादव, महामंत्री सुधांशु तिवारी और दीपक उपाध्याय चुने गए। इन छात्र नौजवान भाइयों बहनों को देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया और मेरे को अपने नेतृत्व करने लायक समझा। देखा जाए कि अभी बहुत सारे जीते हुए प्रत्याशी थे और बिल्कुल अध्यक्ष खुद सेल्फी ले रहा था। मेरे अंदर वो भावना नहीं है, मैं जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूँगा। सेल्फी जो आपने लिया है, क्या मतलब इसको फेसबुक या इस तरह? छात्र भाई मेरे कुछ साथ के तमाम अन्य पदाधिकारी थे, जिनको इच्छा थी मेरे साथ, मैंने सोचा मैं उनके साथ खुद ले लूँ। क्या खरीदा? मैं इसके बारे में ज़रा अब किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा, हालांकि मैं इतना मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है। कॉलेज प्रशासन के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस वाला भी जिम्मेदार है, जिसने इस चीज़ को नहीं देखा, और कॉलेज प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है कि उसने बड़ा केयर नहीं। दोबारा नामांकन हुआ, क्या स्थितियाँ रही आप? एक बार दिमाग तो माइंड तो डिप्रेशन में था, बट अपने आप सब सही हो गया। एमएमसी न्यूज के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को नवरात्र, दीपावली, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश और जनपद वासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छता पर इस दिवाली विशेष ध्यान दें, प्रदूषण को कम करें। हमारी इच्छा है कि सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी छात्रों की ओर से एक स्वयंसेवी छात्र संगठन का समूह तैयार किया जाए और उनकी लिस्ट तैयार हो। सर कर लीजिए कि जो स्वयंसेवी हमारे छात्र हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके ब्लड ग्रुप विधिवत रखे जाएं, और गाजीपुर जिले ही नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई निडी है, इस तरह का आवश्यक है, तो हमारे प्रिंसिपल को वो फोन करे, उनकी सूची उपलब्ध कराए और निःशुल्क रक्तदान का एक कार्यक्रम पूरे देश के स्तर पर ये चलाया जाए। ये हमारी कोशिश है कि रक्तदान जिसे कहा जाता है, वंत तक दान के रूप में ही उस निडी व्यक्ति तक पहुंच जाए।